अकेले भी आ जाओ। आजा बेटा बीच में बोले। लगभग कितने बंदर होएंगे ये? अब संख्या एमपी करीब 400 से 500। 400 लग तो ज्यादा रहे। अब बच्चे भी हो गए इनके। बच्चे तो हर एक पे ही है। एक दो भैया रुक जा, भैया रुक जा। ना, मैं डरते ही बहुत हो आप तो। आपका तो रोज का आना जाना है। तो भाई मैं इतने अंदर ना आई, बार बार आए, बार बार दिया और अपने चले गए अंदर। तो कभी बाई चांस आगे तो आगे हम पेड़ों पे सोएंगे रात भर। वो है इनका गैंग है नेताजी, वो है नेताजी पूरा मोटा सारा। देखिए पेड़ है आगे काटा। ये तो वैसा पेड़ है जैसा वो कृष्ण जी के वहाँ है ना, कौन सा वन है? वृंदावन। वृंदावन में एक जगह ऐसी है ना जहाँ ये बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। 106 पेड़ है जहाँ पर शायद परमिशन ले लिया ना फॉरेस्ट ने, तो सारा कीचड़ हटाते हैं, अब बढ़िया पौधे लगाए जाएंगे। पर फिर ये बढ़िया जैसे कि ये स्टैंड नहीं है इनका, इधर रजोकरी में जो स्टैंड है वहाँ पर वो खड़े रहते हैं रिक्शा वगैरह। हाँ। वहाँ से पूरी प्लांटेशन हटा के अब नई प्लांटेशन हो रही है वहाँ। एक यहाँ बीच में भी तो था जहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अच्छा ऑक्सीजन लेता है, इसके नीचे अगर एक साल आदमी बैठ गया ना तो वैसे ही मर जाएगा। अच्छा ये ऑक्सीजन ले रहे? ये रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन में लेते हैं। तो ये तो पेड़ जंगल में सारे यही मिलेंगे, तो यही है ना, तो इसीलिए इनको पौधों को हटा के बढ़िया पौधे लगाए जा रहे हैं। पीपल के लगाओ, पीपल तो दिन रात 54 लाख पौधे लगने हैं आंटी इसी साल दिल्ली के अंदर। पीपल के पेड़ लगाओ पूरे दिल्ली में 54 लाख। फल सा भी लगेगा, खा भी लेगा। हर जगह नहीं लगा सकते ना आंटी। वो पीपल है, जैसे बिल पत्र हुआ, शीशम है, करंज है, ये सारे कुछ ऐसे पेड़ लगाए जिनसे खा ले जब तो कुछ फायदा है। पहाड़ में भी हर जगह नहीं होते ना पौधे, पर इतनी कीकर पौधा यहाँ सक्सेस होता है वो ही लगाते हैं। तो इतनी कीकर हटानी तो बहुत मुश्किल है। ऐसे थोड़ी हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। 54 लाख तो अभी लगाने हैं, उसके बाद फिर इनमें तो पानी डालने का ठेका भी है फॉरेस्ट का सब कुछ। तो फिर जब हटानी है तो पानी क्यों दे रहे हैं? अभी तो पौधे हैं तब तक तो देना ही है। कोई दिक्कत नहीं अंदर वाले को। कई कई तो इतने मोटे हैं ना, और देखे तो इतने उसके हैं ये। वैसे तो जो अंदर वाले हैं वो तो समझदार है, जब तुम्हारे पास देोगे ना तभी लेने की कोशिश करें। ना कुछ ना क्या, एक उनकी निगाह आंखों में मत ना देखो कभी। क्यों? मैंने तो सुना है आंख में देखने से जानवर को कर ले ना, जानवर रुक जावे ना। जादू तोड़ने तोड़ी आ रहे हो मंकी से कभी नजर से नजर नहीं मिलानी, अगर इससे नजर मिलाओगे ना उतना ही गुस्सा होता है। मैंने तो ये सुनी थी कि तुम उसकी नजरों में जब तक देखोगे तो वो अटैक ना करेगा। अगर हम हमें आप लोग कोई लग नजर हम मिलेंगे ना तो जल्दी अटैक करेगा ये मंकी। कोई नूर अच्छा आँख में देखना देख लो, यहीं पे अभी प्रूफ मिल जाएगा। ना मैं तो ना देखूं कभी प्रूफ का चक्कर में मैं इंजेक्शन लगवाती पाऊँ। चलो बढ़िया है, डेवलप हो जाएगा हमारा जोकरी कम से कम कुछ तो हो। अंदर गाँव तो डेवलप ना हो रहा। जंगल तो और भी खाली होगा, मकान तो बन रहे हैं जंगल के अंदर। मकान बने हुए ना, कोर्ट के ऑर्डर आने वाले हैं वो तो आ लिए बताएं।
अभी को ऑर्डर नहीं आया ना, ये जो पहाड़ी सारा है ये तो सुना है सारा मतलब मैप से अभी नापा है, मैप के हिसाब से आधा रजोकरी खाली हो जाएगा। रजोकरी नहीं होएगा ये पहाड़ी पहाड़ी होगा, पहाड़ी ये रजोकरी में आता है ना, ये भी तो ये जाएगा वहां तक बस स्टैंड तक। हाँ ये बस स्टैंड के यहाँ ये जहाँ ये बागड़ी टाइप के से हैं ये सारे तो उसी के अंदर आ रहे हैं मेरे ख्याल में, फॉरेस्ट में हुए हैं यहाँ पर। फिर इनको ये मीट भी डाल लो आप, बिगर मीट से नहीं है ना, मीट ही डालो, मीट ला के डालो, दो जानवर दो चीज खाता है वो लेके आ। पर इनकी हालत तो कुछ ज्यादा खराब सी अंदर है ना, ये तो अधमरे कल बारिश में गीले हो गए और ये बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे अभी उड़ नहीं पाएंगे, ये तो अधमरे से ना, मैं पिछली बार देखा था मैंने ये जब भी अधमरे से ही पड़े थे, बच्चे है ना अभी ऐसे ही रहते हैं, अभी उड़ नहीं पाएंगे बाज़ है।